सभी दोस्तों को अनुश्वर का नमस्कार। और जैसा कि बिहार पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और इसमें एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से मैं आपको आज आंसर की जारी कर रहा हूं, और यह आंसर की आप अपने बीपीएससी की वेबसाइट से भी जब आए तो मैच कर लीजिएगा। और सबसे खास बात आपको बताना चाहूँगा कि ये पेपर डिट्टो अनुसर कि अगर टेस्ट सीरीज़ जिन लोगों ने ज्वाइन की होगी, जिन लोगों ने नोटिस किया होगा, उन लोगों को 100% ये पता लग गया होगा कि केमिस्ट्री का डिट्टो पेपर वही। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर की बात कर लेता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत खास बात बताऊँगा कि अगर आप देखें तो 41 नंबर से लेकर के 120 क्वेश्चन तक जब आप चल रहे हैं, तो जो टोटल 80 क्वेश्चन का दायरा है वो आपको उसमें से 70 से 75 क्वेश्चन अनुसर की टेस्ट सीरीज के मैच कर रहे हैं। यानी कि जो मैचिंग कंडीशन है वो आपको हमारे टेस्ट सीरीज से मैच करते हुए क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल एक एक जो पढ़ाया है सेम आया है, और इसके बाद इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर आपको नहीं मिल सकता है मेरे दावे के साथ में मैं कह सकता हूँ। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि जिन लोगों ने ये पेपर सॉल्व किया होगा, उन लोगों ने जरूर वो मुझसे कहे ना कहे, लेकिन 100% आपको ये हम पेपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये हमने बुकलेट ए, सेट ए उठाया है, और इस सेट को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो फिर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि इन क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस अगर मैं देखता हूँ तो वाकई में लाजवाब है। तो फिर आप बिल्कुल इंतज़ार नहीं करिए, हमारे साथ रहिए और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इसकी एक एक क्वेश्चन की डिटेल, और समझाएंगे भी आपको, बताएंगे भी इसके आंसर्स क्या होंगे। तो अगर आपको आंसर जानना है, इनको अगर आपको समझना है, तो फिर आप हमारे साथ आज इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अपनी आंसर शीट निकाल लीजिए और मिलाइएगा, मिलान करिएगा कि क्या अनुसर जो बता रहे हैं वही आंसर शीट मैच कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला पूरा फिगर। तो प्लीज़ अपनी आंसर बुकलेट निकाल के बैठिए, और बुकलेट निकालने के बाद फिर आप मिलान करिए कि आखिरकार क्या होना चाहिए इसकी कंडीशन, ठीक है ना। तो क्योंकि चूंकि पेपर इंपॉर्टेंट है, अब आपसे थोड़ी बातें भी कर लेता हूँ। पेपर इंपॉर्टेंट है, और इस पेपर में ये बात आप जान लीजिए कि ऐसा पेपर जो मिला था वाकई में बहुत ही अच्छा पेपर था, और इसको सॉल्व अगर आपने प्रॉपर वे में किया होगा, इसने इतने से मतलब मैं कहूँ कि इतना सरल, इतना बढ़िया पेपर आपको नहीं मिलेगा जितना पेपर बिहार पीजीटी का आया था। तो इस पे बिल्कुल पूरी दशा और दिशा दोनों बनानी है आपको, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार हमें करना क्या है। तो चलिए ज़रा बात कर लेते हैं इस पेपर की, एक एक पॉइंट पर बात करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरुआत करेंगे, अपनी केमिस्ट्री के बाकी क्वेश्चंस की शुरुआत नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आते ही नहीं है, सिंपल सी बात है यार। तो ज़रा समय आप नहीं बर्बाद करिए, आगे से बढ़ाइए और आंसर सीट निकालिए, करिए शुरू मैच। तो ये हमारे पास पूरा व्यू दिखा के चल रहा हूँ आपको, दो दो क्वेश्चन का व्यू है, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि व्यू थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, आपको लगेगा कि आप पेपर पूरा आपको नज़र आना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, पेपर पूरा नज़र आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन नज़र आना चाहिए, तो फिर आपको भी आत्मसंतुष्टि रहेगी 101%। तो पार्ट चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देखता हूँ कि क्या सिचुएशन में है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा जूम इन और कर देता हूँ एक बार, बस अब पूरा आ जाएगा हमारे पास में, नहीं एक बार और जूम इन लाना पड़ेगा, अब आ जाएगा। देखिए यहाँ पेपर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 उठाइए, और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने लगा रखा है ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, क्लोरीन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो ये एटम सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो नोट करते जाइए, यानी 41 का जो जवाब है वो आपका बी होना चाहिए, यानी 41 का जवाब आपका बी होना चाहिए, मिलाते जाइए, मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, 41 का बी। अब इसी तरीके से अगर आगे बढ़ो तो 42 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन।
साइंटिफिक नोटेशन में कौन सा डेटा जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, तो मैं आपको बताऊं, ये दोनों, ये जितनी वैल्यूज दे रखी हैं ये सभी साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग हैं, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो साइंटिफिक डेटा ना रिप्रेजेंट करती हो, तो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव लगा लीजिए आंसर इसका। बिल्कुल आप अपनी कॉपी उठाइए, कहीं भी छोटा मोटा मिसमैच मिल सकता है, अदरवाइज मिसमैचिंग आपको बिल्कुल नहीं होने दूंगा। 43 पे आइए, नाइट्रोजन एटम हैज़ द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये हुंस का रूल है और हुंस के रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। जैसे कि हुंस रूल ये बताता है, अगर मैं लिखता हूँ 1s2, 2s2, तो 2p3, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनपेयर्ड है, पहले लो एनर्जी लेवल में जाते हैं फिर हाई एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, लेकिन लो हाई तो आप वाऊ, तो ये बता रहा है कि इस ऑर्बिटल में और फिर उसके बाद इस ऑर्बिटल्स में जाएंगे, लेकिन इनके अंदर जो अनपेयरिंग की कंडीशन है, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं फिर पेयरिंग होती है, ये आप वाऊ नहीं कहा था, तो यहाँ पर आप वाउ लगा लीजिए फटाक से। और इसके बाद 44 पे चले जाइए, द मॉलिक्यूल कंटेंस बोथ आर आयनिक कोवेलेंट, देख लीजिए उठाइए अनुसर्गी टेस्ट सीरीज, मिलेगा आपको अमोनियम क्लोराइड। पढ़ाया है मैंने, खूब जम के पढ़ाया है कि अमोनियम क्लोराइड में एक तो ये आयनिक बॉन्ड साफ दिख रहा है, इसके अंदर क्वाड्रिनेट कोवेलेंट दोनों दिखाई देते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा भरपूर आनंद आप हमारे साथ में लीजिए, ये क्वाड्रिनेट और ये हो गया, ये पूरा ब्रैकेट में बंद करिए और फट से यहाँ पर सीएल नेगेटिव साफ साफ दिखाई दे रहा है कि NH4Cl इसका ऐसा है, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट है और क्वाड्रिनेट भी, अगर क्वाड्रिनेट पूछा होता तो वो भी हम इसमें ही लिखते। देखो है ना जलविदार, यानी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल दीजिए सोडियम पर फटाक से, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का, वैसे मैं आपको जवाब देता हूं, सोडियम 11 है ना। अब अगर सोडियम 11 की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेता हूं, ये लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, जिस पे निकाला जाता है इस पे निकालना आखिरी इलेक्ट्रॉन पे एक्सपीरियंस, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, और 2p और सेकेंड ऑर्बिटल में इसमें दिखा रहा है, इसमें फर्स्ट में दिखा रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है, 2 जो अंदर वाली है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसकी वैल्यू को यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जितने भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया आपका 2 + 8 = 40, 8 = 64, 8 + 40 = 64, 68 हो गया, डेसिमल लगा लीजिए तो ये आपका बन गया 8.80 बन गया, और ये 11 यानी कि अगर मान लो इफेक्टिव एटम जेफ इज इक्वल टू, मैंने पूरी वीडियो में समझाया जाए, जेफ इज इक्वल टू 11 और माइनस हो जाता है आपका 8. माइनस हो जाता है 8.8, तो इसका मतलब ये आपका आ गया 0, तो ये 0 बचा और आपका 11 पॉइंट है ना, 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ 10 में से 8 गया 2.2 आ रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। हमारे साथ रहिए, आपको बताएंगे, और जबकि 6.8 निकालो ना तो इसका आ जाएगा, यानी कि Na प्लस होता तो 6.8 आ जाता, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। लगाते जाइए फटाफट आंसर से, मिलाते जाइए और अपने नंबर चेक कर लीजिए फटाक से। ये हिंदी वाला है, इसको छोड़ देते हैं फटाक से, फिर इंग्लिश वाले पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसको अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक, तो सबसे अच्छा मेटल तो आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, तो सोडियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम और लास्ट में सिलिकॉन आ जाता है। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता देता हूँ, लास्ट में आपका सिलिकॉन आ जाता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ तो एक चीज़ और आपको यहाँ समझ में आ रही होगी कि सोडियम को अगर मैं देखता हूँ तो सोडियम ये तो है ही, ये सबसे अच्छा मेटल आपको यही दो दिखाई देंगे, तो NaMg, तो इसमें इन दोनों में से एक ऑप्शन लगाना, बेरिलियम या सिलिकॉन। तो अब आप जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ देख तो बेरिलियम है ना, फिर बोरॉन तो बिल्कुल इधर आ जा रहा है, तो ये मेटेलिक करेक्टर बेरिलियम में ज़्यादा होगा ना, सिलिकॉन में तो ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा कि सिलिकॉन है कहाँ पर, देखिए कार्बन के नीचे सिलिकॉन है तो इसके अंदर मेटेलिक करेक्टर थोड़ा कम रहता है, तो सिंपल सी बात है, यानी ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पर लगा लीजिए, यानी 46 वाले का ऑप्शन आपको बी लगाना चाहिए और यही इसका आंसर। चलिए है ना, बिल्कुल मस्ती के साथ हमारे साथ बने रहिए, स्पीड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 47 पे आइए, द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव का होता है, लोगों ने 99% लोगों ने जो जवाब लगाया होगा वो जिंक डाई पॉजिटिव लगाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, Mg डाई पॉजिटिव जवाब है। रीजन के साथ आपको बताया दे रहा हूं कि अगर मैग्नीशियम का आयनिक Mg डाई पॉजिटिव का आयनिक रेडियस देखोगे तो 65 आता है पिकोमीटर में, है 65 पिकोमीटर आता है, इसका लगभग 99 भी दिया है कुछ किताबों में,
उसमें 100 पिकोमीटर भी दिया हुआ है, तो ये और ज़्यादा हो गया उससे, और इसका लगभग 75 पिकोमीटर दिया है। तो पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट तो फिर आपको पता लग गया कौन सा स्मॉलेस्ट है ना, में बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात ही नहीं भैया। तो सिंपल सी बात है कि आप इसे कर सकते हो, और ये आपके क्या कहते हैं कि कब्जे में भी ऐसे करिए ना, सीन सिंपल सा कि आपके कब्जे में आप इसे आसानी से कर सकते हो और कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है ना, पूरा इंटरेस्टिंग के साथ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद यूजिंग SPDF नोटेशन, अगर नोटेशन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको सिंपल सा पता है यार, यहाँ पर 2 हो गया तो 2 लिखना ही, LP हो गया तो ये 2P साफ ही दिख रहा है, क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं। यूजिंग द SPDF नोटेशन फाइंड द ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर, आ गया 2P आना 100% ए, यानी 48 का हमारा आंसर ए हो गया। चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल एकदम मस्त के साथ। पोलोनियम, अरे यार कार्ब पोलोनियम की अगर ओल्ड स्टाइल से टीपो तो देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो यही हुआ ना, तो यहाँ पर ये 16 ग्रुप के एलिमेंट है, 16 का मतलब पुरानी किताबों 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है ही, और अगर देखोगे तो ये आपका हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर लिए सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड में आ गया, तो आप खट से इसका ए आंसर लगा दीजिए, यानी 49 वाले का ए लगाइए जिसमें आपका दिया हुआ है कि सिक्स्थ पीरियड और ऑक्सीजन मोहल्ले के अंदर ये आता है ना। इस बिहार मेरे प्यारे साथियों, बिहार के मेरे प्यारे लड्डू, फटाफट जल्दी से स्पीड में आंसर निकालते चलिए, और स्पीड मेंटेन रखिए जिससे कि जल्दी काम पूरा हो जाए। देखो ये क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा था, ये अच्छा आया था, थोड़ा सा रुक नहीं रहा, रोकता हूँ सही लल्ले। यहाँ पर 2.5 लीटर फ्लास्क कंटेन पॉइंट, यानी कि दोनों का ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूँ तो वैसे मैं आपको जानकारी देता हूँ कि पार्शियल प्रेशर दोनों का निकाल लो, जैसे अगर मान लो PSO2 आप निकालना चाहते हो, PSO2 तो PSO2 कितना आ जाएगा, PSO2 मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया, 0.25 दे रखा है, और ये भी 0.25 दे रखा है, इनटू 8.314, क्योंकि पास्कल में आंसर दिया तो 8.314 लेना पड़ेगा, बस उसी से आंसर आएगा ये, और 727 का 300 केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये तो 1 हो ही गया, हटा दो तो PSO2 जो आएगा वो आ जाएगा आपका, ये 2 जीरो लगा लो और आपका 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, और आपका 3 8 24 हो गया, डेसिमल 3 के बाद लगाओ 1 2 3, यानी ये हो गए वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, लीटर में दिया है तो इसके लिए लीटर में कुछ कन्वर्जन करने की दिक्कत है ही नहीं, लीटर में दिया है ना, तो अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम अगर लीटर में है तो लीटर में मैं रख देता हूँ, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कहने का तात्पर्य यह है इसे ml में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये लीटर में है तो लीटर वॉल्यूम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैल्यू को 10 रेस्ट दी पावर, क्योंकि ये किलो, ये पास्कल में है ना, और ये किलो पास्कल में है, तो इसका मतलब यहाँ 10 रेस्ट दी पावर 3 और जोड़ लीजिए, तो 10 रेस्ट पावर 3 आप और कर लीजिए, तो एक तो यहाँ पर पहुँच गए। अब क्या ये PSO2 का सेम PN2 भी निकलेगा, नाइट्रोजन तो ये है ना, N2 भी यही आएगा, क्योंकि बाकी सब मोल बराबर देख रहे थे, यानी 249.4200 × 10^3 ये भी आ जाएगा। अब अगर मान लो टोटल प्रेशर निकालते तो उनको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा, फिलहाल मैं मैथड पूरा लगाऊंगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए 10^3 हो जाएगा, 3 क्या टोटल 5 कर देता हूँ, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट और इधर भेज देता हूँ, 2 पॉइंट कर दूंगा, तो ये हो गया आपका दुगना हो जाएगा, लगभग बैठेगा जाके, ये जोड़ लेता हूँ 4 4 ये आ जाएगा 4 पॉइंट, टोटल प्रेशर 4.98 × 10^5 आ गया। अब टोटल प्रेशर जो हो गया इतना आ गया, और लेकिन टोटल प्रेशर में से ये वैल्यू एक तो घटनी घटनी तय है, तो इसका मतलब है कि एक का जो आएगा वो वैल्यू ए वाला आएगा, आंसर नंबर एक का निकालोगे ना तो आधा कर दोगे भाई, अगर टोटल प्रेशर ये तो फार्मूला भी तो पता है ना, पी टोटल इज इक्वल टू PSO2 प्लस PN2, इधर लाओ घटा दीजिए, आपको एक का प्रेशर पता लग जाएगा, सिंपल है, वैसे दोनों का इक्वल सब अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबके मोल दिए हुए हैं, अगर मॉलिकुलर वेट होता तो मामला गड़बड़ा सकता था, इसलिए आंसर जो आएगा वो आपका ये वाला आएगा, इसकी आधी वैल्यू आएगी, यही ऊपर वाली वैल्यू आधी आ जाएगी, दोनों का अलग अलग है, दोनों टोटल निकालो तो ये आ जाएगा, फिर इसे डिवाइड कर दोगे भी। देखो एक जैसे अगर हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये भी किया हो कि पी भाई टोटल प्रेशर हमने ये निकाल दिया, तो PSO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
यहाँ रख दो नंबर ऑफ मोल्स 0.25 रख दो, यहाँ पर आप क्या कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने रख दो 0.5 रख दो, बात वही है, और इंटू टोटल प्रेशर कितना रखोगे 4.98 इंटू 10^5 रखोगे, तो इसे हटाओ, ऐसे भी निकाला हो कुछ लोगों ने, इसको 2 से डिवाइड कर दो तब भी वही आ जाएगा, मतलब आंसर ओवरऑल वही आएगा, चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, दोनों मेथड से आंसर डिट्टो सेम आ रहा है, तो आंसर आप निकाल लीजिए फटाफट। मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी कंसेप्ट बताता चल रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर नेक्स्ट चले आइए फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का जो करेक्ट फार्मूला और डायमेंशनल होता है वो इसी से ही डायमेंशन निकाली जाती है। अगर आप डायमेंशन के बारे में जान भी रहे हैं थोड़ा बहुत तो भी आपको बता देता हूँ, हाफ एम अगर MLT जब निकालते हैं हम लोग तो वही फार्मूला ही लगाते हैं, सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर मास दिया हुआ है तो एम लगा देते हैं एल लगा देते हैं और टी ये जीरो कर दो ये जीरो कर दो, क्योंकि यहाँ मास ही है केवल, और यहाँ पर अगर वॉल्यूम वो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी में मास जीरो कर दो है ना, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो एल हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है तो माइनस का वन कर दो और इसकी पावर टू जाने दो, और अब पूरे का अगर अपॉन में टू देख रखा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है इनटू टू की पावर माइनस वन कर दो, तो फिर यही आंसर एग्जैक्ट है, यही डायमेंशनल है, इसी से यूनिट हम लोग निकालते हैं। चलिए बहुत सुंदर, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप पूछा है यार, एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर इसकी शेप क्या होगी, अरे PCl5 की शेप ज्योमेट्री पूछी है ना, ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल शेप तो ज्योमेट्री से बात कर रहा है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही होती है मेरे बच्चा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है, इसमें कुछ सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, और नहीं से पता है तो बनाओ पप्पू यहाँ पर सीधा सा, किसे मुझे नहीं पप्पू बना देना, पप्पू यहाँ बनाना, पी यहाँ बनाओ, CL यहाँ बनाओ, यहाँ CL बनाओ, ये ट्राइगोनल आपको दिख ही रहा है, उसी के बाईपिरामिडल आपको दिखेगा, PCl एक CL ऊपर लगा दो, उल्टा बनाओ फट से, इसे 5 लग गए हैं, एक CL खट से ऊपर बना लो और एक CL नीचे, देखो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल दिख रहा है यार, बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, शेप ज्योमेट्री तब गड़बड़ होती है, ज्योमेट्रिकल शेप दिया है ना, ज्योमेट्री की बात कर रहा है वो, शेप से नहीं कर रहा है। 53 पे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द टी शेप, तो Cl3 का सिंपल सी बात है टी शेप होती है, एक यहाँ पर फ्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ थोड़ा सा तिरछा लगता है बस, यहाँ पर फ्लोरीन लगा दीजिए, BrF3 का NCERT में दिया उसी का डिट्टो आया है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करना चाहो तो 1, 2, 3 हो गए, 2 लोन पेयर इसके ऊपर बचेंगे, तो फिलहाल हम इसे टी शेप बोलते हैं है ना, टी शेप इसको बोली जाती है, शेप इसकी टी ही मानी जाती है, वैसे आप जानते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में आता है, तो फिर शेप की बात टी शेप ज्योमेट्री है ना, यह ज्योमेट्री टी शेप ज्योमेट्री यही आती है, क्योंकि उन्होंने पूछ ही ली है टी शेप ज्योमेट्री किसकी होगी, तो इस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी, SF4 नहीं हो सकती, SF4 में कंडीशन लगी 4 लगे हों 2 नीचे लग जाएंगे तो वहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। CO2 आइसोस्ट्रक्चरल है, दुनिया जानती है कि C2 जो है वो इथाइलिन दोनों के मॉलिक्यूल को बना करके देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और स्ट्रक्चर में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर हम इसकी बात करें एसिटाइलिन की, तो एसिटाइलिन आपको दिखाई देगा यहाँ पर C CCC, यहाँ H, ये एसिटाइलिन हो गया है ना, और अगर मान लीजिए यहाँ पर चल लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं सॉरी इसमें CO2 मॉलिक्यूल में, तो ये CO2 का मॉलिक्यूल हो गया, दोनों मैच कर गए। अब हम लोग SnCl2 भी चेक कर लेते, देखो SnCl2 अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, तो SnCl2 के स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा, तो SnDiPositive Cl2Cl नेगेटिव हो गया। ICl2 को देख लेते हैं, तो ICl मैं यहाँ I रख देता हूँ, लोन पेयर 1, 2 हो गया, इस तरीके से 3 हो गया, इस तरीके से 4 हो गया, और एक है यहाँ Cl, एक यहाँ Cl हो गया। तो अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हर जगह से फिर केवल 2 ही का बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर नहीं मैच कर रहा है। लीनियर शेप तो दिखाई दे रही है, लीनियर शेप तो दिखाई दे रही है, लेकिन इस लीनियर शेप में खास बात है कि ये 2 लोन पर, यहाँ कहीं लोन पर की कंडीशन भी नहीं, तो एग्जैक्ट आंसर से ही इसका मेरे हिसाब से आना चाहिए, बिल्कुल लगाते रहिए। और आप कहीं पर आपको डाउट लगे, कन्फ्यूजन लगे तो बताइएगा कि सर हमें यहाँ पर डाउट लग रहा है, तो भेजिएगा मैसेज, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर सॉलिड, इसमें कौन सा मॉलिकुलर सॉलिड है, तो एस ये आयनिक है, मीथेन मॉलिकुलर गैस है, लेकिन सिलिका SiO2 जो होती है वो मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में गिना जाता है। फटाफट आंसर लगाइए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर हैज द 0 डाइपोल मोमेंट, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया की वैल्यू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0 डाइपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल होता है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए ना मेरे साथ यार,
केमिस्ट्री बिहार वालों, इस बार नहीं अगले बार एग्जामिनेशन जो भी हो सब लोग ज्वाइन करो चैनल को। पूरी 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 केमिस्ट्री कराऊंगा सॉल्व, 100% कराऊंगा, दावे के साथ कराऊंगा कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अरे यार एक पाई ये है, एक पाई ये है, एक पाई ये है, बाकी कहीं पाई नहीं है, तो तीन पाई है ना, तो यहाँ पर फटाक से तीन पाई लगाओ, पेपर ऐसा मिल जाए ना उधेड़ के बिंदु बिल्कुल फटाफट। बोले अनुसर यार ऐसे बोलते हो, रिपल्सन इज मैक्सिमम। हमेशा जो बेस्पर थ्योरी है वो ये कहती है कि सबसे ज्यादा लप्पू लप्पू में होता है, उसके बाद लप्पू बप्पू में होता है, लप्पू बप्पू में, और उसके बाद बप्पू बप्पू में, तो इसका मतलब हो गया कि आंसर हो गया लप्पू लप्पू में, तो बी हो गया इसमें, बी ऑप्शन लगा लीजिए। जल्दी से आइए मेरे साथ और इंटरेस्ट के साथ भरपूर आनंद लीजिए आंसर की का, मस्त आंसर की है, मैच कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज द मेटामरिज्म, और मेटामरिज्म तो पता है तुम्हें, जल्दी से जानकारी ले लो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल पकड़ लेता हूँ तो, अरे यार पेन उठा लो भाई, तो यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ CH2 ले लिया, यहाँ O ले लिया, यहाँ CH2 ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, अब इसको चेंज कर लो तो ये CH3 हो सकता है, O CH2 हो सकता है, CH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है, ये फटाक से, यानी कि ये आपको मेटा ये तो कर ही नहीं पाएगा, इसकी हिम्मत नहीं जो कर जाए, ये इसमें ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो लगा दो जल्दी से एक आंसर, फटाक से सोचो नहीं, टाइम स्पीड मेंटेन अगर नहीं पढ़ा रहा होता तब तक तो पेपर उधेड़ दिया होता मैंने। बहुत ही मज़ेदार पेपर है, इतना सरल पेपर यार, और दूसरी बात है अनुसर की टेस्ट सीरीज से छपा हुआ रखा हुआ पेपर, ऐसा कहीं नहीं मिल सकता, डिट्टो यही पेपर आया था यार, क्या आप जलवा है। वेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद, अरे एनर्जी रिलीज होगी यार, लेटेस्ट एनर्जी होती है, रिलीज होती है, रिलीज इज रिलीज एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी कि फटाफट आंसर लगाएं, रिलीज एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जल्दी से लगाओ, देर मत करो मेरे राजा, यहाँ पर आ जाओ। इसमें देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एसीटोन इथेनॉल, जिसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा यार वही सबसे ज्यादा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, फट से वेपर प्रेशर को पकड़ लेगा वो, जैसे बॉइल करोगे तो यहाँ पर आंसर फिर एसीटोन आना चाहिए ना, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जरा सा हवा दोगे काम खत्म, यानी कि एसीटोन सबसे ज्यादा वैल्यू, नोट कर लो एसीटोन की, आंसर मिला लो, बहुत ज्यादा दिमाग वांग ना लगाओ, ये क्वेश्चन उंगलियों के खेल हैं भाई साहब, ऐसे ही लगाए जाते हैं। 62 में अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द प्रेशर ओनली इफ द टेम्परेचर इज, अब कहोगे यार अनुसर बहुत तेज चल रहे हो, तो तेज तो चलेंगे नहीं, समय कम में काम करना है। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड इफ द प्रेशर इफ अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द प्रेशर ओनली इफ, यानी एक गैस को हम लोग कब लिक्विफाई कर देते हैं, तो आपको बता देता हूं कि क्रिटिकल प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एट इट्स, यानी कि अब आप जानते हो क्रिटिकल प्रेशर को डिफाइन अगर कर लो, उठा लो अरुण बहल की किताब, उसमें साफ लिखा हुआ है क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इक्वल टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर आंसर लगा लीजिए, लेस और मोर करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, गैस को लिक्विफाई करना है तो देखो सिंपल सी आपको फिनोमिना बता देता हूँ, अगर एंड्रयूज का तुम ग्राफ देखो तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंडीशन लिक्विफेक्शन की होती है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हर गैस जो होती है टेम्परेचर बिलो होगा गैस का तो उसको आसानी से लिक्विफाई कर देते हैं, अबव होगा हाँ अबव गैस को थोड़ा सा लिक्विफाई करने में डेविएशन आ जाएगा, और उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्या बोलते हैं क्रिटिकल, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, फिर समझ लो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रेशर लगा दें तो मोर देन तो हो ही नहीं सकता। अब पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, क्या होता है, तो क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर टू लिक्विफाई द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मोल ऑफ द गैस, वन मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, जिसका सिंपल सी बात है किसी गैस को लिक्विफाई अगर करना है तो उसको हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए हमें जो प्रेशर रिक्वायर करना पड़े, तो यहाँ पर लो और हाई के चक्कर में हमें लग रहा है बहुत से लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ होगा ये भी निश्चित है, तो ध्यान दीजिए इस पर, मैं थोड़ा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेस और मोर में आंसर लोगों ने लगाया होगा, क्योंकि अ गैस कैन बी लिक्विफाई द प्रेशर ओनली इफ इट्स टेम्परेचर इज, तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, हो सकता है लोगों का अलग व्यू हो, ले मेरा अपना व्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स,
इन्वॉल्व द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो होमोजीनियस तो वहाँ होगी जहाँ सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है ये तो गैस में है, तो यहाँ गैस सॉलिड तो यही आपको दिखाई दे रहा है, यही सब गैस स्टेट में है, यही एक होमोजीनियस कंडीशन हमें दिखाई दे रही है और कहीं तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अगर कहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन लगे तो बहुत परेशान नहीं होइएगा। देखो ये क्वेश्चन मेरी टेस्ट सीरीज में दोनों दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट ब्रैक्स इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना, ये बिल्कुल डिट्टो दिया है कि लाइन भी चेंज नहीं है, इसको जीरो ऑर्डर में हम लोग कंसिडर करते हैं, अमोनिया की ब्रेकिंग लग रहा होगा ना सेकेंड ऑर्डर में ना, अमोनिया ब्रेक ही तभी होगी जब हमें इस पे या तो कैटलिस्ट गोल्ड का लगाएं या मोलिब्डेनम का लगाएं प्लेटिनम का, तभी उससे पहले ब्रेक होती ही नहीं है, इसलिए इसको आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी 65 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, करेक्ट की बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसको कैलकुलेट करने में हम लोग यूज नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। देखिए कुछ लग रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाई यूज ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, तो अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ कि अगर मुझे ये पता करना है कि K1 K2 क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होता है वो डायरेक्शन पता करने में, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में हमें बहुत मदद करता है। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द इनिशियल, करना इससे मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं मतलब है, केवल दो पे आप रुके रहिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होती, बिल्कुल डिट्टो है, डायरेक्शन हमें अगर ये बताएगा तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ए आना चाहिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कैसे मैं आपको बताऊं, बताता हूं, अगर मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन यहां पर ए प्लस बी ले ली है, ऑथेंटिक जवाब दूंगा, और यहाँ पर सी प्लस डी दे दी है, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी निकालेंगे ना, के सी इज इक्वल टू सी हो जाता है, यहाँ पर डी हो जाता है, यहाँ पर ए हो जाता है, यहाँ पर बी हो जाता है, तो कहने के द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज टू कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या आएगी, वही तो आएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द रेशियो अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट, ये होता ही है, तो फिर ए आंसर इसका, फिर आप डिट्टो लगा लो कि 66 वाले का आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब देता चल रहा हूँ, आपको कहीं भी डाउट अगर आपको लगता है तो अनुसर को आप तुरंत नंबर नोट करो मेरा कि सर इसमें मुझे डाउट है मुझे बताइए, देखिए परपक को कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम जवाब आपको सही दे रहा हूँ, 94 70 27 11, तो बिहार वाले जितने भी लोग देख रहे हैं उसे फटाफट नंबर नोट करें और नंबर नोट करके मुझे व्हाट्सएप मार दें कि सर इसका जवाब में मुझे डाउट है प्लीज़ बताइए, तो मैं आपको हो सकता है दोबारा देख करके बताऊं। राइट द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड निकालना है ना, बेस है एच डो जोड़ दो, देखो हमेशा एच ए और एच ये मान लो ए निगेटिव बना, यहाँ पर आपको क्या करना, अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एच हटा दो और कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एच जोड़ दो, एच जोड़ दो फटाक से, एच पॉजिटिव तो ऐड हुआ है ना इधर की तरफ, ये कॉन्जुगेट एसिड है तो ऐड करो ना इसमें, जैसे ही ऐड करोगे तो ये एनएच एनएच है तो एनएच टू हो जाए, ऐड करो तो ये एनएच नेगेटिव हो जाएगा, राइट द कॉन्जुगेट एसिड इसमें जुड़ना है ना, तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है और इस मिसप्रिंटिंग का फायदा जो है वो लोगों ने उठाया होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है आपको बता देता हूँ, ये मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर NH2 ऊपर एक नेगेटिव होना चाहिए था, तो आंसर अगर यही अगर यहाँ पर लगेगा तो फिर ये आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर आप कहोगे नहीं सर तो फिर ये वाला आंसर नहीं है और ये इसमें से हटेगा नहीं, है ना, एच जुड़ेगा कोई और ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो यही ऑप्शन है और ये मिसप्रिंटिंग कहाँ पर है, मिसप्रिंटिंग आपको दिखाई दे गई होगी, तो मैक्सिमम लोगों ने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ए आंसर लगाइए इसका, यानी कि 67 वाले का फिर आप ए लगा लीजिए, अब घबराइए बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल टनाटन रहिए, आप हमारे साथ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, एक्टिव एलिमेंट कौन है, ये MN है, CR है, यहाँ पर CLO3 है, तो भैया एक्टिव नंबर का निकाल दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 4 दूनी 8 है, प्लस का 7 आ गया और 7 दूनी 14 और मिस 12 यानी प्लस का 6 आ गया और यहाँ 4 KCLO4 हो गया, तो 4 दूनी 8 में से गया प्लस का 7 आ गया, तो अब आपको आंसर साफ दिखाई दे रहा है 7 6 7, यानी ए ऑप्शन यहां पर एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है। 71 पे आ जाओ, इन द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, एंट्रोपी हमेशा वाटर जब इवेपोरेट होता तो बढ़ती है यार एंट्रोपी, बहुत दिमाग नहीं लगा,
एंट्रोपी बढ़ती है, फटाफट एंट्रोपी बढ़ा लो, यही कहाँ है, एंट्रोपी बढ़ जाती है मेरे भाई, ज्यादा नहीं सोचिए, पानी को उबालिए, देखिए मॉलिक्यूल सब डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। द इक्वेशन देख लो यार, डिट्टो छपाया नो सर के नोट्स उठाओ, पलट लो पन्ना, झम्म से मिलेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, डिट्टो छपा मिलेगा यार, या जलवा है द डिग्री ऑफ द एनिशन क्वेश्चन, डिट्टो न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा। एस क्लोर ब्रोमो एसिटिक एसिड है तो अरे आयनाइज कर दो यार, ब्रोमो एसिटिक एसिड सी डबल ओ एच ले लो, इसे आयनाइज करो, यहाँ पर बनेगा बी आर सी एच टू सी डबल ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव बनेगा। शुरुआत में इसका एक मॉलिक्यूल लो, ये जीरो जीरो बनेगा, इस वन में से अल्फा घटा दो, ये आपका अल्फा बन जाएगा, और ये भी अल्फा कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, सी अल्फा ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो है वो सी अल्फा हो गई, यानी 0.132 और मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन 0.1, तो मतलब हो गया 0.0132। अब इसको आप जरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, अब ये हो जाएगा आपका, इसे लिख सकते हो 132 इंटू 10 रेस्ट दी पावर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर माइनस का 4 ले लीजिए, फिर से देख लो एक बार, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से तो आपका सी अल्फा ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 4 के बाद डेसिमल लगा दिया, चलो ठीक कोई बात नहीं। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा, पी एच इज इक्वल टू हो जाना चाहिए हमारा माइनस का, तो 4 log 10 कर दो इसे, 4 log 10 प्लस log 132, 132 का log निकाल दो, ये माइनस में वैल्यू है ना, तो ये आंसर आपका माइनस में ये रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है, तो ये वैल्यू माइनस में रहेगा, क्योंकि ये तो अगर फार्मूला जान रहे हो आप, दोबारा बताता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन आप कर देंगे, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये होता है पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन, ये है ना, तो यहाँ रख लीजिए माइनस लॉग 132 इंटू 10 रे पावर माइनस 4 हो गया, तो ये तो प्लस में हो गया ना, 4 log 10 इधर आ जाएगा, और ये माइनस का लॉग 132, तो 132 में कैलकुलेटर से निकाल के लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 132 कैलकुलेटर से, बस एक सेकंड का समय दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी पेपर जब सॉल्व करता हूँ तो थोड़ा सा बस एक नज़र दौड़ाने के बाद मैं बहुत, मतलब ये नहीं कि बस सोच रहा हूँ, ये लॉग 132 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2.1, तो ये आ गई आपकी 4, ये तो लॉग 10 हो गया, माइनस का हो गया 2.1, घटा दो तो यानी 4 में से जब घटाओगे तो 1.88 बचेगा, घटा के देख लो 4.00 2.10, तो ये आपका हो गया 0, यहाँ पर 10 में से 9 गया, यहाँ पर आपका 1.89 समथिंग आ रहा है, तो मतलब ये 1.88 के आसपास आंसर आना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार, पूरी वैल्यू पूरी डिजिट के साथ में कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका 1.88, यानी अगर पूरी वैल्यू रख देता हूँ 2.120 आ रही है, 2.120 तब आंसर आ जाएगा, 20 रख देता हूँ तो 1.20 रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये आपका 0 आ गया, 8 में से 10 में से 2 गया, यहाँ 8 बचा, और यहाँ पर बचा आपका 9, 9 में से ये 8 आ गया ना, पूरा 1.88 डिट्टो आंसर आ रहा भाई सब, कतई कहीं टस और मस होने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए घबराना है। विच ऑफ द कंपाउंड इनसॉल्वेबल, पानी में कौन नहीं घुलता है, तो आप मेरे भाइयों जान लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल है, सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल है, चाहे तो आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर चाहते हो तो, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि इनसॉल्युबल मेरे हिसाब से यही है, NaHCO3, Na2CO3 पानी में घुल जाता, जबकि NaHCO3 पानी में नहीं घुलता, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है, ये रहता है। अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन आपको लगे है ना लगे तो आप बताइएगा, बताइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, तो आप इसको ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लोग रेडली अगर देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाइट पाउडर होता है, और आप जानते ही हैं घर पे होगा, वॉशिंग में बेकिंग पाउडर Na पॉजिटिव NaCO3 डिजोल्व कर लेता है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी अगर मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ किससे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि BaSO4 तो पानी में बिल्कुल नहीं घुलेगा, तो फिर यहाँ थोड़ा सा मुझे अचानक ये डाउट हो गया कि BaCl2 तो पानी में घुलता है, BaCl2 तो पानी में घुलता है, लेकिन अब रुक जाइए, बस एक मिनट का समय दीजिए, मैं अपना आप सीरीज चेक कर लेता हूँ, सीरीज में ऊपर आ गया BaCl2, BaSO4 पानी में डिजोल्व कम होता है, ये भी पक्का है, BaSO4 पानी में कम डिजोल्व होता है, ये भी पक्का है, ये भी मुझे कन्फर्म है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट बना है,
हैं, तो मुझे लगता है कि BSO4 जो है वो यही आंसर होगा। कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट इसलिए लगा क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन घर में बेकिंग पाउडर है डिजोल्व हो जाता है, इसलिए वही डाउट हो गया। तो BSO4 लगाइए यहाँ पर जवाब, यही एग्जैक्ट जवाब आना भी चाहिए, यही एग्जैक्ट जवाब आना भी चाहिए। फिलहाल चेक करिएगा और आप भी अपने भरोसे के साथ बने रहिएगा। 43 का यही लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा नहीं है, तो जरा देख लेते कोई छूटा तो नहीं क्वेश्चन, जरा ये देख लो भाई यार, नहीं तो कहोगे सर ने छोड़ दिया, नहीं सब चल रहे हैं ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डाउट हुआ मुझे, तो वो मैंने डाउट आपका मिटा दिया है। हाँ चले भैया, हो गया ना, ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा नहीं है, तो यार कैसी बातें कर रहे हो। हाइड्रोक्साइल आयन, अगर मैं आपको देखूँ तो हाइड्रोक्सिल आयन इज ए लुइस बेस, ये तो मुझे सही लग रहा है, नॉट करेक्ट। प्रोटॉन इज ए लुइस बेस, कैसे, ये लुइस एसिड होता है ना प्रोटॉन, ये लगाओ ना, है ना। चलो ठीक, इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बाद फटाफट आ जाइए। ये हो गया, ये पूरा पेपर यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, आ जाइए। करेक्ट स्टेटमेंट फिर ढूंढा इन्होंने, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, खूब पढ़ाया है, पूरी सीरीज में छपा रखा है कि HI ज़्यादा एसिडिक होता है, यही वाला सीरीज लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। HI सबसे, क्योंकि डिसोसिएशन एनर्जी कम होती ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे होता है, देखो मैं तो ऐसे याद करता, ये लंबा बॉन्ड है, फिर ये इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा बॉन्ड, है ना, ये इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये बिल्कुल चपक के बैठ जाएगा, तो बॉन्ड डिस्टेंस जहाँ बढ़ेगी वही एच जल्दी दे देगा, सिंपल सी बात है। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। और आ जाइए 74 वाले पे, 74 का रहा चूज द करेक्ट, द कलर ऑफ द इंडिकेटर इज इन बिटवीन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड एंड इट्स एनायन, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये रेड कलर देता है एसिड में, मिथाइल ऑरेंज हमेशा रेड कलर देता है एसिड में, और तो कलर देता है आपका किस में, मिथाइल ऑरेंज येलो देता है अल्कलाइन मीडियम में, बिल्कुल सही है। एसिडिक इंडिकेटर ये और मोर देन वन, ये इंडिकेटर अगर नोट कर पा रहा हूँ तो कलर ऑफ द इंडिकेटर इज इन बिटवीन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड एंड इट्स एनायन, एसिड और एनायन के बीच में होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज MeOH बेसिक होता है, एसिडिक इंडिकेटर नहीं है, MeOH लिखते हैं हम लोग इसे, फिनोफ्थरीन एसिडिक इंडिकेटर होता है, अगर एम मिथाइल ऑरेंज लिखा जाता है तो MeOH लिखा जाता है और फिनोफ्थरीन को HPH लिखा जाता है, तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी, यही बी ऑप्शन आप इसमें से लगा लीजिए ठीक है। अगर कहीं पर आपको जरा भी लगे तो अपना चेक करिए आंसर फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा, लेकिन H2O तो कम होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर आ गया H2S, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चूज द करेक्ट, दोनों आमने सामने सॉल्व करता चल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि पेपर बार बार ना घुमाना पड़े इसीलिए। 78 पे आई द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर आ गया देखो करेक्ट स्टेटमेंट 78 वाले में चले आइए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट कैथोड एनोड पे होता है, ऑक्सीडेशन लोन आपको याद होगा ना, लोन पढ़ाया भी था मैंने, LON लोन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, हटाइए इसे, स्टेटमेंट गलत हो गया। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में रेडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो बात बिल्कुल सही है, जितना नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगी उतनी ही वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है बी वाली, और जितनी पॉजिटिव होगी उतना वीकर रिड्यूस, ये भी बात सही है, तो इसका मतलब हम ऑप्शन इसमें डी लगाएं ना, डी लगाते हैं ऑप्शन, हम लोग डी लगाएंगे। देखिए जितनी नेगेटिव, अब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मान लो जिंक ले लिया आपने, ZN डाई पॉजिटिव ले लिया और स्लैश ZN ले लिया, इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू जो होती है माइनस की 0.76 वोल्ट होती है, नेगेटिव वैल्यू है ना, और अगर ई नॉट जो है, ई नॉट कॉपर डाई पॉजिटिव ले लो और जिंक डाई पॉजिटिव कॉपर और कॉपर ले लो, तो ये प्लस का 0.34 वोल्ट हो गया। तो इन दोनों में अगर आप नोट करना चाहो तो रेडॉक्स कपल अगर नोट करना चाहते हो तो ये अच्छा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक कॉपर के कंपैरिजन में, आंसर साफ मिल रहा है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन। तो हाइड्रोजन का तो आपको पता ही, एच पॉजिटिव स्लैस एच टू की वैल्यू जो ई नॉट सेल की होती है 0.0 वोल्ट होती है, तो फिर आंसर हमारा डी सही होगा, इसमें से एक हटा दो, बाकी दो ऑप्शन मोर देन वन अबव में चला जाएगा ठीक है। इन्होंने पेपर ही ऐसा बनाया ना जिससे कोई क्लेम ना करने पाए, हम कहे अगर दो सही तो मोर देन अबव बना लेंगे आंसर, जल्दी क्लेम नहीं होगा इस पेपर पे, ये डी ऑप्शन बनाने का पर्पज ही यही है, बहुत अच्छा खेल किया है इन्होंने कि अगर दो ऑप्शन सही हो गए तो हम डी को अपने आप सही मान लेंगे और बच्चे का आंसर नहीं मानेंगे, ये इन्होंने तरीका अपनाया है। विच इंडिकेटर विल सुटेबल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड एंड NaOH, तो आपको पता होना चाहिए इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है,
तो स्ट्रॉन्ग का बेस का इंडिकेटर वही दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर फिनोफ्थलिन इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। फिनोफ्थलिन एसिडिक इंडिकेटर होता है इसे बेसिक मीडियम में, क्योंकि दोनों की रिएक्शन में जो न्यूट्रलाइजेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग तो NaOH है ना, तो NaOH ही दिखाई देगा, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, लगाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इस तरीके से 79 पे आ जाइए। CLF3 का नेचर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल दो ना। CLF3 तो मैंने आपको बताया, सी यहाँ पर F बना दो, यहाँ पर आपको F बना देना है, यहाँ पर भी आपको F बना देना है, दो इसके ऊपर लप्पू लगा दो, लप्पू मतलब लोन पेयर। तो यहाँ पर आपका सिग्मा, ये दो लोन पेयर हो गए, लोन पेयर दो हो गया, सिग्मा आपके तीन हो गए, तो आपके पांच हो गया, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसमें। सिंपल सी बात है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज कैरीड आउट बाई बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज बाई वेरियस मेथड्स। तो कंसंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन से भी करते हैं, कंसंट्रेशन मैग्नेटिक सेपरेशन से भी करते हैं, तो इसका मतलब मोर देन वन वाला ऑप्शन सही जाएगा। अब ये मत समझना कंसंट्रेशन का मतलब है तो सर फ्रोथ, ये केमिकल जो दोनों मेथड हैं ये सेपरेट करने के, इम्प्योरिटी ही सेपरेट की जाती है दोनों से। चलिए इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस, ये विच वट विल बी द कॉन्जुगेट बेस निकालना है इनका बेस, तो बेस का मतलब हुआ इनमें से एच हटा दो, तो F नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, CO3 डाई नेगेटिव, ए वाला ऑप्शन जमा दो आप फट से। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 देखी जाती है, ऑस्मियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो +8 आती है ट्रांजिशन मेटल में, ऑस्मियम की +8 आती है, चेक कर लो आप चाहे तो, है ना। ऑस्मियम है और आपका रुदीनियम है, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +8 आती है। नहीं, और वैसे अगर आप इसमें +7 भी नोट करना चाहो तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट टंगस्टन W की भी +7 आती है, तो ये भी नोट कर सकते हो, रुदीनियम की भी है तो, लेकिन ऑस्मियम +8 में है ये कंफर्म है। तो सबसे हाईएस्ट पूछा है ना, ठीक, बिल्कुल सही सटीक चल रहा है हम लोग। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन देख लो या डेटो उठाओ, मेरी टेस्ट सीरीज छपा हुआ क्वेश्चन रखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, यही है ना, और लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है, तो ये तो सवाल ही नहीं था, ये होता नहीं है डिट्टो, इसमें सोचना नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्शनल केस है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द जिरकोनियम, वैन आर्कल मेथड है, वैन आर्कल मेथड को जिरकोनियम और टाइटेनियम जिरकोनियम को सेपरेट करने में यूज किया जाता है, जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए आपका जोन रिफाइनिंग होता है आपको याद होगा, और मोन्स प्रोसेस को देखोगे तो शायद निकल है, अब ध्यान नहीं एग्जैक्ट लेकिन निकल है, मोन्स प्रोसेस में निकल ही, वैन आर्कल मेथड में जिरकोनियम और टाइटेनियम आता है जहां तक मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहे हैं। 85 सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो गई तो, अगर और ई नॉट सेल पॉजिटिव होता तब हो जाती, तो आंसर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल फॉर्म द सुपर ऑक्साइड, तो पोटेशियम के ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड पोटेशियम बनाता है ना, सुपर ऑक्साइड अगर आप नोट करना चाहो तो सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन आपका करता है, ध्यान दीजिएगा, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो करेगा आपका पोटेशियम। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि सुपर ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी जो है वो किसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी आपको मिलेगी पोटेशियम के अंदर। ठीक है, तो मुझे तो फिलहाल पोटेशियम लगाना, रुबिडियम मैं नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि रुबिडियम के अंदर उतनी टेंडेंसी तो नहीं होती है। ठीक, पोटेशियम कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाक से, अगर वो ऑप्शन ही उन्होंने एक डी ऐसा लगा लिया ना जिससे कि लोग फंस जाए यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, मतलब जिसकी सभी बॉन्डिंग सेटिस्फाइड होती, मीथेन मॉलिक्यूल है, जानते क्या हो, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है जितने बॉन्ड हो वो सभी इन्वॉल्व हो जाएं बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में केवल इसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बाकी सब में लोन पेयर, यहाँ दो लोन पेयर बचेंगे, यहाँ दो लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ लोन पेयर बचेंगे, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, नो लोन पेयर, और जिस पे लोन पेयर नहीं बचता उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से जुड़ा है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। C 86 89 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल इम्पार्ट द कलर, कलर कौन देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कलर की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कलर में आपने स्ट्रॉन्सियम भी देता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न ही किया होगा, है ना, और स्ट्रॉन्सियम में तो मोर देन, यहाँ पर भी ऑप्शन वही, इम्पार्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, तो इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम में फिर आपका मोर देन वन ऑप्शन लगाइए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन
देता है। मैग्नीशियम रिबन तो 100% देता है, स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम की नहीं होती है स्ट्रॉन्शियम का, लेकिन अगर सही ऑप्शन जा रहा है तो ये जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्शियम के भी कलर होते हैं, एक बार इसको आप लोग भी किताब से एक बार जरूर चेक करिएगा, है ना। स्ट्रॉन्शियम का अगर मैं कलर देखता हूँ तो स्ट्रॉन्शियम का कलर जो है मेरे हिसाब से मतलब लिलेक टाइप का आता है ना। तो चेक कर लीजिएगा आप, मुझे लगता है कि आंसर आपका मिल जाएगा, तो उससे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप कंफर्म हो जाएंगे कि उसका आखिरकार फ्लेम टेस्ट होता है, नहीं तो टेस्ट होता है तो रेड फ्लेम मतलब लीलेक रेड देता है, मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसका कलर स्ट्रोंसियम का होता है तो चेक कर लेना। फ्लेम का अगर फ्लेम कलर देखो तो गोल्डन होता है, सोडियम का गोल्डन आता है, कैल्शियम का अगर देखो तो यहाँ मोर देन वाला ही ऑप्शन मुझे लगता है कि आना चाहिए, है आना चाहिए। फिलहाल चेक कर लेना आप, इसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा डाउट रहा, बाकी मुझे डाउट नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आंसर सही है, यही आएगा डी ही आएगा जहाँ तक अनुमान है। ये देखो डिट्टो सेम छपा हुआ है कि आईयूपीएसी नेम इसका नहीं, पोटेशियम मेरी उठाइए, आंसर शीट मिल जाएगा आपको, जो मैंने पढ़ाई है आपको उसमें मिलेगा, पोटेशियम हो गया, हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड आएगा, ये वाला ऑप्शन लगा लीजिए, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, फेरेट थर्ड ध्यान दीजिएगा, थर्ड आएगा, फोर नहीं आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दो, अरे यार इसमें क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में, जब भाई यहाँ पर कॉपर का निकालना है ना, तो 29 माइनस इस पे प्लस, ये टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और प्लस हो गया 2 × 4 यानी लोन पेयर, इसमें एक है यानी 4 × 2 = 8, हाँ ठीक है ये हो गया आपका 29, 27 प्लस 8 जोड़ दो तो 8 × 7 = 14 = 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 को आप इंडिकेट कर दो, खट से बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, ये 35 हो गया है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे हैं, एक का क्वेश्चन तो फिर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन यहाँ फाइट बहुत कर रही होगी। सेटिंग ऑफ द सीमेंट गेट स्लोअर बाई एडिंग द जिप्सम, आपको पता है जिप्सम इसीलिए मिलाया जाता है कि उसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाए, देर में जमे, पता लगा तुरंत ही जम गया, गड़बड़ा जाएगा। द केमिकल फार्मूला सोडियम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का Na2FeCN ये होता है, सोडियम Na2FeCN का होल 5NO, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला होता है, लगा ली। विच ऑफ द स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री, आपको पता है NiCN4 का होल, बहुत पढ़ाया है मैंने इसके बारे में। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोरा को बोलते हैं, बिल्कुल रटा हुआ है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज में छपा हुआ रखा है, जो लड़के जो साथी मेरे भाई बहन देख रहे होंगे वो बता देंगे कि अनुसार यू आर राइट, अगर ये बात है तो, अगर बाकी लोग देख रहे हो तो फटाक से मुझे कमेंट भी मारते चलो। होमोलिटिक फिशन ऑफ द बॉन्ड विल फॉर्म, क्या बनाता है, होमोलिटिक से फ्री रेडिकल बनता है, नहीं पता तो ये पता होना चाहिए ना, सी इस तरीके से ये मैंने होमोलिटिक फिशन किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर ले गया, ये इधर ले गया, तोड़ दो इसे, ये बेचारा देखो फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बनती है, और कार्ब हाइड्रोलिटिक होता तो फिर कार्बनायन और कार्बन कैटायन बन जाते हैं। द कंपाउंड विच इज यूज एज ए परगेटिव मेडिसिन, परगेटिव मेडिसिन समझते हो, जो जिससे हमारा पेट साफ होता है, लैक्सेटिव जो होती है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ करते हैं। फिलहाल मैग्नीशियम सल्फेट इसमें आंसर लगाइएगा, वही सही है, इस तरीके से यहाँ लिखा भी हुआ, हिंदी आप पढ़ लीजिए चाहे तो, नहीं दिया ना हिंदी, नहीं दिया है, चलो यह है चिकित्सा में रेचक, रेचक समझते हो, जिससे पेट साफ होता है, जिससे लेटरिन आना शुरू हो जाती है, दैट इज मैग्नीशियम, यानी कि लूज मोशन शुरू हो जाए, पेट साफ हो जाए, तो मैग्नीशियम सल्फेट को ही अधिकतर यूज किया गया है। चलिए ठीक, इसके बाद चले आइए, हिंदी पढ़ लिया करो जब कहीं दिक्कत हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बोरॉन, बोरॉन का कौन सा हाइड्राइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट में, तो B2S6 को सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक की सिंथेसिस में यूज किया गया है, आपने हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा होगा ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बोरॉन कंपाउंड इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो NaBH4 भी होता है लेकिन NaBH4 तो दिया ही नहीं है इसमें, तो सबसे ज़्यादा इसी हाइड्राइड का हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दीजिए B2S6 का यूज सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, फॉलोइंग यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और वहाँ पर NaBH4 होता है, LA नहीं होता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड इज नोन एज द कार्बोरेंडम, तो सिलिकन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जान लीजिए सिलिकॉन कार्बाइड को। तो उसके बाद रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट को पोलरीमीटर से चेक करते हैं, आपको पता है पोलरीमीटर इज यूज किया जाता है, और सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये भी क्वेश्चन डिट्टो छपा रखा है हमारी, उठा लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो मोर देन वन वाला ऑप्शन ये वाला एक्यूरेट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं, ठीक है। विच ऑफ द नाइट्रोजन इज ऑप्टेन, प्योर नाइट्रोजन ले लिया तो ये NCERT की क्वेश्चन है, बेरियम एजाइड से प्योर नाइट्रोजन मिल जाती है,
बेरियम एजाइड को जब गर्म करते हैं तो प्योर नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है ना। और अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को भी अगर आप गर्म कर पाते हैं तो अमोनियम डाइक्रोमेट से भी नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन Cl2O3 रह जाता है, इसलिए इसको प्योर नाइट्रोजन के लिए ऑप्शन बी ही एग्जैक्ट है और यही सही माना जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद आ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102। एल्केन ऑप्टेंड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट, तो पोटेशियम एसीटेट जब लिया जाता है तो यहाँ पर फार्मूला है CH3COOK, इसी तरीके से CH3COOK, इनके दो मॉलिक्यूल लीजिए और वाटर से इलेक्ट्रोलाइज करा दीजिए फटाफट। और जैसे ही वाटर से इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो यहाँ पर यानी HOH में लिखता हूँ HOH, यहाँ पर भी HOH, तो यहाँ KOH निकल गया, यहाँ पर CO2 निकल गया, यहाँ H2, यानी इथेन मॉलिक्यूल मिलेगा जो आंसर हो जाएगा C2H6। नाइट्रिक एसिड इज ए रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग नाइट्रिक रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो ही रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में हर जगह वही चेंज आ रहा है। नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो रिड्यूस तो हो ही रहा है हर जगह, चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर चेक करना पड़ेगी आपको, 3 × 6 और 6 यानी +5 आ रही है, और यहाँ पर चेक करो 4 × 2 = 4 यानी +4 आ रही है, +4 ही आएगी, चेक कर लेना। तो यानी कि ये हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन है, तो यहाँ पर तो मुझे सेम ही दिखाई दे रहा है हर जगह पर, एक बार आपको चेक करना पड़ेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही रहा है, तो 105 वाले में थोड़ा सा हल्का सा फिर डाउट हुआ, चलो कोई नहीं, मुझे तो हर जगह यही ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें चेक कर लीजिए +3 × 6 वो तो एक ही रहेगी ना, +5 यहाँ पर भी +5 और यहाँ पर आ रही है आपकी +4 यहाँ पर भी आ रही है +4, हर जगह ये मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन ही कर रहा है, लॉस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ये खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसका उल्टा देखता हूँ तो मुझे तो यहाँ पर सभी ऑप्शन एक्यूरेसी की तरफ जाते लग रहे हैं, और यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन फिर आ जाना चाहिए, डी ऑप्शन इसमें लगना चाहिए। 3 क्वेश्चन पे है थोड़ा सा डाउट फिलहाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप कॉपर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, कॉपर के रिस्पेक्ट में देखें, इनके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर अलग चीज़ आ जाएगी, लेकिन मुझे देखना फिर पढ़ लेता हूँ एक बार। नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो फिलहाल ये रिएक्शन सही है और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है और ये रिड्यूस हो ही रहा है, मुझे मोर देन वन ठीक है, तो नहीं ज़्यादा परेशान होगा। इसमें कौन सी गैस जो है वो एनेस्थेटिक है, तो ये N2O जो होती है लाफिंग गैस, ये एनेस्थीसिया की तरह में प्रयोग की जाती है। तो ये आपने चल दिया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक एसिटाइलिन है, इसी के 2 हाइड्रोजन है जो एसिडिक नेचर प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ये फिर ये तो है ही नहीं। द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द सोडियम और इथाइल आयोडाइड, सोडियम इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, और सोडियम द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ सोडियम एंड इथाइल आयोडाइड, है ना, सोडियम इथाइल आयोडाइड से आपका बनना चाहिए, ड्राई इथर तो लिखा नहीं है फिलहाल। अगर सोडियम लिया यानी कि C2H5I लिया मैंने और ये Na लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल गर्म करें तो ब्यूटेन बनना चाहिए, वुड्स रिएक्शन आप समझ लीजिए, इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, और ये चेक कर लीजिए यही बनेगा, एन ब्यूटेन बनता है, फटाफट आ जाइए जल्दी से पेपर किनारे पर है। इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ये दे रखा है, द इंडक्टिव फैक्ट इज एक्सपेक्ट टू बी लीस्ट, सबसे कम कहाँ होगा, तो फिर यहाँ से दूरी जितनी बढ़ेगी तो यानी कि इसे 1, 2, 3 तो सेकेंड और थर्ड पर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लीस्ट पूछ रहा है ना, लीस्ट की बात कर रहा है, तो सबसे कम आपका सेकंड और थर्ड पर इंडक्टिव इफेक्ट महसूस किया, एज वी मूव अवे फ्रॉम द कार्बन, यानी जितना दूर जाते हैं ना इंडक्टिव इफेक्ट डाउन होता चला जाता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब आपने देखा होगा घटता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, लोग हो सकता है यहीं लगाए हैं, पहले वाले पर लगाए हैं ना, पहले वाले पे तो स्ट्रांग रहता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द, ये आपको दिख रही होगी ना कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इसमें हम अगर करना चाहेंगे रिएक्शन तो पहले Br2 जोड़ेंगे, Br2 जोड़ने के बाद इसका फिर हम एल्कोहलिक क्यों से HBr जोड़ेंगे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, मैं देख लेता हूँ बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर CH2 ले लीजिए, डबल बॉन्ड CH ले लीजिए, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ CH3,
इसमें आप एच बी आर जोड़िए, जैसे एच बी आर जोड़ोगे तो बी आर यहाँ जुड़ जाएगा और एच यहाँ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच थ्री सी एच, यहाँ पर बी आर जोड़ दीजिए, यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर सी एच थ्री। अब इसको आप डाल दीजिए फटाक से, इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा आपको, एल्कोहलिक क्यूज, तो मतलब एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगी और ये बीटा एलिमिनेशन ही कंसीडर की जाएगी। इसके बाद आ जाइए व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू, तो ये फेमस रिएक्शन एसिटल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। तो रिएक्शन अगर जानना चाहते हो तो जान लो, सी एच हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आपका सी एच हो गया, और यहाँ पर अगर आप वाटर मिलाना चाहते हैं इस तरीके से मिला दीजिए वाटर, तो ये कंपाउंड बन जाए ओ से बॉन्ड है, ध्यान रखना, नहीं सोचो अनुसरण गलत लिख दिया, यहाँ एच जी एस ओ फोर एंड सो ऑन, तो पहले सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच बनता है, और इसको फटाक से आप अरेंज कर दो, हाइड्रोजन ऊपर कर दो और ये बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी एच ओ। याद आ गई होगी रिएक्शन, यही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो सिस ट्रांस तो वही शो कर पाएगा ना जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम लगा है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता है, तो यहाँ कट लगाओ, नहीं तो कन्फ्यूजन डाउट बनेगा। रुक जाओ भैया, ये मिटाओ पहले, ये मिटा दो, साफ सुथरा रखो सब कुछ, ये नहीं हो सकता। ये साफ दिख रहा है कि एक एग्जाम्पल ही, यहाँ पर दो, एक हाइड्रोजन है, एक फिनाइल है, यही शो करेगा, तो इसी पे लगा लो आप फट से, ये वाला आंसर लगा लीजिए, यही शो करेगा, बाकी इन दोनों में सब में सेम जा रहा है, नहीं कर सकता सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस के लिए कंडीशन है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप या जो भी लगे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। सिंथेटिक मेथड टू डेवलप द फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस है, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस से हम लोग सिंथेटिक पेट्रोल बनाते हैं, और कन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कन्फर्मेशन हमेशा रिप्रेजेंटेड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला से भी करते हैं, और आपने कन्फर्मेशन सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से भी करते हैं। तो मैं आपको, मैं जैसे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो मेनली जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की जो कंडीशन है वो वही होती है कि जो सॉरी ये क्या कहते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर आप नोट करना चाहो तो अगर उठाइए क्या कहते हैं, आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब उठा लीजिएगा, और उठाने के बाद आप आराम से उसमें चेक कर लीजिएगा, जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के, वो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में आपको चेयर फॉर्म है, जैसे बोट फॉर्म, यहाँ कुछ थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया भी मिलता रहे कि अनुसार जो बता रहे हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आपको न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला अगर नोट करना चाहो तो जैसे एक फार्मूला जो होते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ये वाले जो फार्मूला होते हैं गोल बनाइए, ये ऐसे करके जो बनते हैं, आपने नोट किया ऐसे करके जो बनते हैं ऐसे, ये न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला होते हैं, इनको हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला के नाम से कहते हैं। और अगर आप सी हॉर्स वाला जो होता है, सो हॉर्स बोलते हैं इसे, तो सो हॉर्स वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अगर आप चाहो तो वो भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन आना चाहिए, मेरे हिसाब से मोर देन वन ऑप्शन ही एग्जैक्ट है, सो है ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, तो लगा लीजिएगा आंसर। मुझे तो यही लग रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन इसमें मैं लगाऊँ, है ना, मोर देन वन ऑप्शन लगाऊँ प्रोजेक्शन फार्मूला, क्योंकि कारण ये है कि जितने भी प्रोजेक्शन फार्मूला वाले जो होते हैं तो वो हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर क्या है, चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है। अगर आप नोट करना चाहो तो मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा कि अगर चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म ये सब बनाने की कोशिश करोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार अनुसर कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप मेरे हिसाब से इसमें दोनों लगाइए और दोनों ही ऑप्शन आपके सही आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसमें कहीं भी एक आध क्वेश्चन पे अगर डाउट आपको लगता है तो मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं कोई बहुत ऐसा नहीं, कि नेचुरल रबर आइसोप्रीन होती है, पता है आइसोप्रीन इसकी मोनोमर यूनिट होती है, ये भी आप लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस रेजेंट, टॉलरेंस को ग्लूकोज भी रिड्यूस करता है, केन शुगर भी, तो यानी कि मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पर भी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, तो इसमें तो सभी एरोमेटिक कंपाउंड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये सभी फॉलो करते हैं, हकल्स 4N+2 रूल फॉलो करते हैं, चेक भी करा दे रहा हूँ। इसमें नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर को देखोगे ये आएगा, अब मैंने आपको बोला है ना नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर ये आएगा, तो यहाँ 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगा करके आप चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि अगर आप चाहो तो यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो किसके लिए आएगा, तो 4 × 2 + 2, तो 4 × 2 = 8, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, चेक कर लीजिए। एंथ्रासीन को देख लो, एंथ्रासीन में आएगा आपका ये वाला स्ट्रक्चर, एंथ्रासीन का रहता है, ये एंथ्रासीन का रहता है, फिनेंथ्रीन में भी सेम ही कंडीशन रहती है,
पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आए, 14 कब आएंगे, 3 रख दो, 4 चौक 16 4, यानी एन इज इक्वल टू 4 रखिए, तो 4 चौक 16, और नहीं एन इज इक्वल टू 3 रखिए, 3 चौक 12 और 2 14, एन इज इक्वल टू 3 रखिए, आ जाएगा ऑटोमेटिक, दोनों में 3 के लिए आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन हकल रूल, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि नॉन एरोमेटिक करेक्टर कहीं पर दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको एक जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि एरोमेटिक हकल रूल के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो फिर तीनों का ऑप्शन जो है वो सेम आना चाहिए और तीनों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तीनों में किसी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिनेंथ्रीन को कुछ लोग ये बताते हैं प्लेन के अबव, प्लेन के बिलो रहता है, बोलेंगे भी कुछ लोग अभी आपसे कि जरा आप पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन उठाइए, मैं थोड़ी देर आपको इसीलिए बता देता हूँ कि इन चीज़ में है ना ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये बात आप ध्यान रख लें, लेकिन एंगुलर बोला जाता है, फिनेंथ्रीन को एंगुलर बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पर नन ऑफ द अबव ई ऑप्शन को मैं चूज़ करूँगा, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो मुझे मैं लगाऊं, नॉन एरोमेटिक नहीं है, सब एरोमेटिक ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन लगाने की मेरी कैपेसिटी जा रही है, तो मैं ई पर जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। चलिए फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर पता है आपको, बता दूँ, चलो फिनेंथ्रीन भी देख लो, ऐसे बना लेना फिनेंथ्रीन, ऐसे बना, ठीक है, सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट के दौर में, ये आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड आउट ऑफ यूज, आपको पता है डीडीटी जो है आउट ऑफ यूज हो चुका है, इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इससे सेक्सुअल डिजीज होने लगी है लोगों को, लेसिग्ने टेस्ट से सल्फर चेक हो जाता है, फॉस्फोरस लेसिग्ने से नाइट्रोजन और जितने भी कंपाउंड होते हैं, फॉस्फोरस नहीं होता, कार्बन पता लग जाएगा कार्बन है, लेसिग्ने में भी कार्बन से ही रिएक्शन ही होती, तो सल्फर नॉट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फर फॉस्फोरस को हम लोग सब चेक कर लेते हैं भाई, अगर लेसिग्ने परीक्षण करते हैं तो उसमें से अगर आपने नोटिस करा होगा लेसिग्ने बनाते हैं है ना, तो लेसिग्ने हम लोग मेनली ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, में क्या करते हैं सबसे पहले सोडियम लेते हैं भाई, आप एक आपको पता भी होगा आइडिया भी होगा, छोटी सी वेन टेस्ट ट्यूब ले ली, इसके फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, इसको हमने पहले क्या काम किया, पहले सोडियम ड्राई सोडियम लिया, ड्राई सोडियम को हमने रेड हॉट तक गर्म किया, उसके बाद ड्राई इसे इसमें जो है ऑर्गेनिक कम ठंडा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, तोड़ दिया, अगर कार्बन नाइट्रोजन रहा होगा तो NaCN बना लेता, याद आया आपको नहीं, अगर सल्फर रहा होगा तो Na2S बना लेगा है ना, और अगर मान लीजिए इसके अंदर क्लोरीन रहा होगा तो NaX बना लेगा, लेकिन फॉस्फोरस नहीं आता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 118 वाले का जो जवाब है वो आपको बी फास्फोरस वाली कंडीशन इसमें नहीं आती, ये बी लगाइए ऑप्शन, ये ज्यादा बेटर होगा इसके लिए, सल्फर तो चेक हो जाता है। इसके बाद चले आइए अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री के बढ़िया शो करते हैं, तो 1 डिग्री में भी ये होगा यानी ए ऑप्शन पर चले जाइए, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद चले आइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इंडस्ट्री सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए डाइक्लोरोमीथेन यूज होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन यूज नहीं होता है, तो रबर वर इंडस्ट्रीज में डाइक्लोरोमीथेन को यूज खूब किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो पैरा क्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इसका लैटिस बहुत प्रॉपर बनता है, आपने पढ़ा होगा इसका लैटिस प्रॉपर बनता है, दोनों अपोजिट है इनके लैटिस प्रॉपर नहीं बनेंगे, तो इसी का आएगा सी आएगा, ये लगा लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे 120 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें अगर मैं ऑन एन एवरेज कहता हूँ, मुझे जहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन में डाउट रहा वो क्वेश्चन 3 से 4 रहे, इससे ज़्यादा नहीं रहे 3 से 4 में, लेकिन हालांकि वो भी सही है, ऐसा नहीं कि उनमें कहीं कोई इफ और बट हो, इफ और बट उनमें कहीं पर भी नहीं है, इफ और बट उनमें कहीं पर भी नहीं है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, एक थोड़ा सा डाउट मुझे फिनेंथ्रीन में चल रहा था, फिनेंथ्रीन में मुझे चल रहा था, तो फिनेंथ्रीन एक बार और देख लेता हूँ, हकल रूल फॉलो करता है नहीं तो आपके मन में रह जाएगा, हकल रूल फिनेंथ्रीन पे डाउट था, कहाँ ये था, इनके स्ट्रक्चर मैंने पूरा नहीं बनाया था, पहले पूरा बना लेता हूँ ना, कि मुझे थोड़ा यहीं पर डाउट लग रहा था, लेकिन फिर भी एक बार इसे कंफर्मेशन लेकर के चलता हूँ। तो ये हो गया 6 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और 2 14, ठीक है, 12 और 2 14, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 वैसे ही आ रहे हैं, तो वही मुझे डाउट था, फिलहाल ऐसा है नहीं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है और
कहा जाता है, थोड़ा सा डाउट लगा तो मैंने कहा अच्छा बैक मार लेता हूँ, हाँ देख लेता हूँ एक बार क्या दिक्कत है। तो 120 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 120 में 3 से 4 में हो सकता है कहीं आपको मन में भ्रम हो, तो उन 3 से 4 के लिए अनुसर का मोबाइल नंबर नोट करिए, 94 73 70 27 11, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप हम आपका उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार बिजनेस व्हाट्सएप है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको रिस्पांस देंगे कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि सर क्वेश्चन नंबर ए आंसर शीट का ये बता दीजिए, या फिर क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको सटीक जवाब दूंगा, मैं आपको परफेक्ट जवाब दूंगा, आपको जरूर सेटिस्फैक्शन हुआ। कैसी लगी वीडियो, आंसर कैसे लगे बताइएगा जरूर, हम आपको परफेक्टनेस तक ले जाने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस।